गुड मॉर्निंग। देखिए लास्ट 12th हमारे क्या हो चुका था, हाइब्रिड क्रॉस हो चुकी थी और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन। कि लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन क्या होते हैं, सबसे पहले लिंकेज। तो लिंकेज क्या होगा, लिंकेज किसी भी जीन की वो टेंडेंसी है कि जब इनहेरिटेंस होगा तो उसके जीन्स क्या रहेंगे, उनके जीन्स के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा, कोई भी उसके गैमेट्स का सेपरेशन नहीं होगा। जैसे कि मान लो ये क्या है, क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या प्रजेंट है, जीन्स प्रजेंट है, कौन से जीन, ए एंड बी जीन्स है। तो जब क्या होगा, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है कि करेक्टर्स का ट्रांसफ़र कहाँ से, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। कि जब इसके अंदर इनहेरिटेंस की प्रोसेस होगी तो इनके अंदर जो ये गैमेट्स है, ए और बी गैमेट्स है, इसके अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं रहेगा, ये क्रोमोजोम के ऊपर क्या रहेंगे, एज इट इज प्रजेंट रहेंगे। जैसे ए और बी दूसरे क्रोमोजोम के ऊपर आ गए, उन्होंने क्या गैमेट बना लिया, ए बी, ये गैमेट बना लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लिंकेज। कि गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो दोनों जीन्स क्या हो गए, सेपरेट नहीं हुए और दोनों ने मिलकर किसका फॉर्मेशन कर लिया, गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया। कब, इनहेरिटेंस के टाइम में। और इन जीन्स को क्या बोलेंगे, प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, लिंकेज बोलेंगे। और इन जीन्स को क्या बोलेंगे हम, लिंक्ड जीन। कि जीन्स कैसे आपस में लिंक्ड जीन है, जो एक लीनियर सीक्वेंस में रहेंगे, कहाँ पर, क्रोमोजोम के अंदर। अनलिंक्ड जीन कौन से होंगे, कि वे जीन्स जो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम पर प्रजेंट होंगे। मान एक क्रोमोजोम ये है, दूसरा क्रोमोजोम ये है, यहाँ पर क्या है, एक जीन प्रजेंट ए, यहाँ पर कौन से हो गए, बी जीन्स। तो दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोजोम के ऊपर प्रजेंट है, तो कैसे जीन्स हुई, अनलिंक्ड जीन हो, इनके अंदर कोई भी लिंकेज नहीं है, तो इनको क्या बोलेंगे हम, अनलिंक्ड जीन्स बोलेंगे। और लिंकेज ये कितने टाइप की होगी, दो टाइप की होगी, एक कंप्लीट लिंकेज, एक इनकम्प्लीट। कंप्लीट के अंदर तो सेम वही लिंकेज, कि जीन्स का प्रजेंट एक क्रोमोजोम के ऊपर प्रजेंट है, गैमेट्स का फॉर्मेशन, सॉरी इनहेरिटेंस हुई तो दोनों गैमेट्स क्या हो गए, एक ही जीन्स के ऊपर लाई कर गई और एक क्या करा दिया, गैमेट का फॉर्मेशन कर लिया, ए बी, यानी कि इनके अंदर कोई भी सेपरेशन नहीं हुआ। अनलिंक्ड जीन, कि वे जीन जो क्या होंगे, डिफरेंट क्रोमोजोम्स के ऊपर प्रजेंट होंगे, उनके अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, उन जीन्स क्या बोलेंगे हम, अनलिंक्ड लिंकेज क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट लिंकेज। तो हमें क्या पढ़नी है, जो मॉर्गन का कंसेप्ट था किसके बारे में, तो ये तो क्या थी हमारे पास, लिंकेज। अब लिंकेज के साथ साथ क्या पढ़ना है, रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन क्या होगा, ये मान लो दो जीन, दो क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम ये है, दूसरा क्रोमोजोम ये है, तो इनके अंदर क्या होगा, क्रॉसिंग हो, मान लो इस पे एक जीन क्या प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था, एक क्या था, बी, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पी, और यहाँ पर क्यू जीन प्रेजेंट है, इनके अंदर क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर हो गई। मान लो इस तरह से क्या हो गई, क्रॉस ओवर होगी। क्रॉस ओवर कैसे होगी, मान लो ये एक क्रोमोजोम है, दूसरा क्रोमोजोम इसके साथ क्या हो गया, यहाँ पर क्रॉस ओवर हो गया, तो इसके पास कौन जीन प्रेजेंट था, ए और बी प्रेजेंट था, इसके पास क्या था, पी और क्यू था। जब हम इसको यहाँ से सेपरेट करेंगे दोनों जीन्स को, तो क्या होगा, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, आपस में एक्सचेंज हो गई, तो इस क्रोमोजोम के पास कौन सा आ गया, पी आ गया और बी आ गया, इसके पास क्या आ गया, ए और क्यू आ गया, दोनों का जेनेटिक मटेरियल आपस में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया ना, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम, रिकम्बिनेशन। कि जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो दोनों क्रोमोजोम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोसेस क्या कहलाएगी, रिकम्बिनेशन प्रोसेस। तो हमें लिंकेज और रिकम्बिनेशन के अंदर क्या पढ़ना है, कि इन दोनों के अंदर क्या रिलेशनशिप होगा, किस में, लिंकेज में और रिकम्बिनेशन के अंदर। तो इनके अंदर रिलेशनशिप क्या होगा, कि मान लो ये क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम्स के ऊपर जो लिंक्ड जीन है वो कहाँ प्रजेंट है, बिल्कुल क्लोजली प्रजेंट है, यहाँ पर ए प्रजेंट है, यहाँ पर क्या प्रजेंट है, बी प्रजेंट है, यहाँ पर क्या प्रजेंट है इसका, यहाँ पर क्या प्रजेंट है, पी प्रजेंट है, यहाँ पर क्या है, क्यू प्रजेंट है। अब इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगी, तो क्रॉसिंग ओवर कैसे होगी, इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होगी, मान लो यहाँ पर क्या है, पी और क्यू प्रजेंट है, तो यहाँ पर कौन से जीन आ गए, पी आ गए, क्यू आ गए, यहाँ पर क्या आ गए, ए आ गए और बी आ गए। अब हम इनको यदि सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद हमारे पास क्या आएंगे, वही क्रोमोजोम, पी और क्यू, इसके पास क्या आ गया, ए और बी, यानी कि जो जीन्स क्रोमोजोम पर प्रजेंट थे वो क्या आ गए, साथ आ गए, ये भी क्या है, साथ है, इनके तो इनके अंदर रिकम्बिनेशन होगा, नहीं होगा। कब नहीं होगा, कि जब जीन्स क्या होंगे, क्लोजली
प्रेजेंट होंगे कि एक दूसरे के पास पास क्या करेंगे, लाई करेंगे, तो उस टाइम पे क्या होगा, रिकम्बिनेशन नहीं होगा। और यदि मान लो कि जीन्स क्या है, एक दूसरे से डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पर ए प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है बी प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है पी, और यहाँ पर क्या है क्यू प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा रिकम्बिनेशन होगा। क्रोमोजोम में क्या होगा रिकम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा ए, यहाँ क्या है बी है, यहाँ पर क्या है पी है, यहाँ पर क्या है क्यू है, तो यहाँ से क्या होगा क्रोमोजोम्स का सेपरेशन होगा। क्रोमोजोम यहाँ से क्या होंगे सेपरेट होंगे, सेपरेट होंगे तो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर क्या आ गया पी आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बी, यहाँ पर क्या आ गया ए आ गया, यहाँ पर क्या आ गया क्यू आ गया। तो जेनेटिक मैटर क्या हो गया ट्रांसफर हो गया ना, तो यहाँ पर क्या रिलेशनशिप होगा लिंकेज के और रिकम्बिनेशन के बीच में, यदि जीन्स एक दूसरे के क्लोजली प्रेजेंट है तो क्या होगा रिकम्बिनेशन नहीं होगा, यदि एक दूसरे से डिस्टेंस भी प्रेजेंट है तो क्या होगा रिकम्बिनेशन होगा, यानी कि जेनेटिक मैटर का क्या होगा ट्रांसफर होगा। तो लिंकेज के बीच में और रिकम्बिनेशन के बीच में क्या हुआ कि जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतना ही रिकम्बिनेशन क्या होगा कम होगा, तो एक दूसरे के क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए ना ये, कि यदि लिंकेज ज़्यादा होगा जीन आपस में क्लोजली लिंक्ड होंगे तो रिकम्बिनेशन के चांस क्या होंगे बहुत कम चांसेस होंगे, ना के बराबर क्या होंगे चांस होंगे, जीन आपस में क्या रहेंगे यानी जेनेटिक मैटर क्या होगा ट्रांसफर नहीं होगा। यदि जीन्स एक दूसरे से दूर प्रेजेंट है तो लिंकेज क्या होगी कम होगी, तो दूसरे एक दूसरे क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, कि लिंकेज क्या होगा रिकम्बिनेशन के इनवर्सली, लिंकेज ज़्यादा है तो रिकम्बिनेशन कम होगा, लिंकेज कम है तो रिकम्बिनेशन क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, रिकम्बिनेशन यानी कि जेनेटिक मेटेरियल एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम में क्या हो जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ लिंकेज, लिंकेज क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम। क्या मतलब हो उसका, यदि लिंकेज क्या है कम है तो दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी ज़्यादा होगी। यहाँ पर हमने क्या देखा था कि इनके बीच डिस्टेंस कम है तो इनके बीच लिंकेज का मतलब डिस्टेंस क्या है ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकम्बिनेशन के चांसेस क्या हैं ज़्यादा है, तो लिंकेज ज़्यादा लिंकेज कम होगी तो रिकम्बिनेशन क्या होगा ज़्यादा होगा। इस दूसरे केस के अंदर इनके अंदर की लिंकेज क्या थी ज़्यादा थी, लिंकेज ज़्यादा थी दोनों जीन्स के बीच की डिस्टेंस क्या थी कम थी, डिस्टेंस कम थी तो रिकम्बिनेशन के चांसेस क्या थे कम थे। तो यही हमारा क्या है रिलेशनशिप है किसके अंदर लिंकेज में और रिकम्बिनेशन के अंदर। लिंकेज क्या होगा कि एक ही जीन एक ही क्रोमोजोम के ऊपर दो जीन्स क्या है आपस में क्लोजली प्रेजेंट है और इनहेरिटेंस के टाइम दोनों के अंदर क्या हुआ सेपरेशन नहीं हुआ। रिकम्बिनेशन के अंदर क्या हुआ था कि दोनों के अंदर क्या हुआ था जेनेटिक मटेरियल का दोनों के बीच क्या हुई क्रॉसिंग ओवर ही, और क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ कि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या हो गया ट्रांसफर हो गया, हाफ जेनेटिक मटेरियल एक क्रोमोजोम के अंदर आ गया दूसरा हाफ दूसरे क्रोमोजोम के अंदर। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हुआ कि लिंकेज कम है तो रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा और लिंकेज ज़्यादा है तो रिकम्बिनेशन क्या सॉरी लिंकेज कम है तो रिकम्बिनेशन क्या होगा, यदि इनकी लिंकेज कम हो गई दोनों के अंदर तो क्या होगा रिकम्बिनेशन ज़्यादा होगा, लिंकेज ज़्यादा है तो रिकम्बिनेशन क्या होगा कम होगा। तो यही क्या थी दोनों के अंदर रिलेशनशिप था। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। थैंक यू।